आजाद समाज पार्टी की ओर से 19 सितंबर से संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प के साथ यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का आगाज अंबेडकर नगर महू से हुआ और फिर यह संविधान बचाओ यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी। पार्टी पदाधिकारियों ने संविधान में आस्था रखने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से अपील की है कि संविधान बचाओ यात्रा से जुड़े और यात्रा को सफल बनाएं, ताकि संविधान बदलने की साजिश रचने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके। भी माननीय प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेंगे और मध्य प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। महिला रिजर्वेशन सरकार ला रही है, मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, शर्त कि भारत की जाति व्यवस्था के आधार पर जो ऊंची जाति की महिलाएं वो तो राजनीति में हैं, और क्योंकि जो दलित पिछड़ी आदिवासी अल्पसंख्यक जातियों की महिलाएं उनको बहुत तरह की परेशानियां सहनी पड़ती है जिसकी कोई जिक्र भी नहीं करता। अगर सरकार ये ला ही रही है बिल, तो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 131 रिजर्व सिटी एमपी की, उनसे अलग जो आरक्षण वो महिलाओं को दे रही है उसमें एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण दे, जिससे कि वो भी अपने क्षेत्र से चुन के आकर अपनी समस्याओं के लिए संसद में आवाज़ उठा सके। ऐसा मेरा मानना है कि सरकार इस पर कुछ अच्छा सोचेगी, और अगर ये सिर्फ EWS की तरह अपर कास्ट की महिलाओं को ही संसद में बैठने का अवसर देना है तो कहीं हद तक ये दलित पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ धोखा होगा। सर, चुनाव में मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? चुनाव में मुख्य एजेंडा, अभी तो रोटी कपड़ा मकान ही मध्य प्रदेश में लोगों को नहीं मिल रहा है, अच्छे इलाज और अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल रही है। हम चांद पे चले जाएं और हमारे यहाँ लोग भूखे मरे, मंदिर और मस्जिदों के बाहर लोग जो हैं पेट हाथ फैला के पेट रोटी के लिए भीख मांगे, तो इससे ये पता लगना चाहिए कि देश किस कहाँ है। तो अभी बहुत ज़रूरी जो बुनियादी काम है वो पूरे हो जाएं, उसके बाद बहुत सारे एजेंडे हैं। मध्य प्रदेश के लोग रोज़गार के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, इस पर मध्य प्रदेश सरकारों को शर्म आनी चाहिए। और जिस तरह से किसानों के मुद्दों पर सरकार ने आज तक कुछ कोई अच्छा कदम नहीं उठाया और किसानों को अपराधी कहने सरकार चूक नहीं रही, ऐसी सरकार को जनता सबक सिखाने काम 2023 के चुनाव में करेगी। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।